भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम देख रहे हैं हर दिन एक नया सितारा, एक नया बिजनेस जन्म लेता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर फंडिंग भी शुरू हो रही है। जहाँ पर विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर भारत में निवेश कर रहे थे, अब लोकल इन्वेस्टर्स भी काफी अग्रसर हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को फंड करने के लिए। हमारे साथ हैं इस समय गिरीश गुप्ता, जो है राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के हेड, इसके अलावा कार्या की फाउंडर निधि अग्रवाल और डेली हंट के फाउंडर वीरेंद्र गुप्ता। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड में आपने लगभग 25 स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है, अगर एक अंदाजा दे सके किस तरह की कंपनियों में आप निवेश कर रहे हैं आजकल? ये हमारा फोकस राजस्थान है और लगभग 40% ऑफ आर इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान, बाकी हम मेट्रो जो दूसरे बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, नॉर्थ दिल्ली, उन रीजन में अलग अलग जहां पे पोटेंशियल है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा फोकस आईटी है और उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट हमने हेल्थ केयर और लॉजिस्टिक सेक्टर में किए हैं। गिरीश, लेकिन हर रोज यहाँ पर बात होती है कि शायद भारतीय स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, विदेशी निवेशक थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, क्या आप लोग भी उस तरह का माहौल देख रहे हैं या फिर क्योंकि भारतीय निवेशकों के पास ज्यादा फंड्स हैं उनमें कोई हिचक नहीं है? तो हम अभी जो जिस तरह की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसमें ये देखते हैं कि बर्न जो ब्रेक इवन का है, ब्रेक इवन कितनी जल्दी वो आ सकती है, ब्रेक इवन 1 ईयर और 2 ईयर डाउन द लाइन वो कुछ विजिबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेक इवन के लिए ज्यादा इंतजार किया जाए कि 4 साल तक भी यदि ब्रेक इवन नहीं होगा तो हम तो अब ऐसे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं जिनमें कि लग रहा है कि हाँ 1 ईयर और 2 ईयर में वो ब्रेक इवन कर लेंगे। क्या ये ब्रेक इवन का प्रेशर आपके पर आप जैसी कंपनियों पर भी दिख रहा है निधि, क्योंकि अब तक पेशेंट थे इन्वेस्टर्स लेकिन शायद वो माहौल बदल रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि ई कॉमर्स पे वो प्रेशर ज्यादा आता जा रहा है जहां पर पूछा जा रहा है कि आप प्रॉफिटेबल कब होंगे, आप ब्रेक इवन कब होंगे। कार्या ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले भी कहा है ब्रेक इवन रह चुकी है, तो स्पेशली कार्या के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहा है, बट हाँ इंडस्ट्री ये बिल्कुल प्रेशर देख रही है ऑलरेडी, बड़े बड़े प्लेयर्स इन चीजों की बात करने लगा है। क्या ये एक हेल्दी लाइफ साइकिल का संकेत है, क्योंकि पहले काफी पेशेंस होती है, बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो फंड की पाइपलाइन चोक होने लगती है या फिर रुकावट आने लगती है? मुझे नहीं लगता कि फंड की पाइपलाइन चोक हो रही है, मगर ये बात बिल्कुल अभी ठीक है कि बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल रहे किसी टाइम पे, आफ्टर ऑल बिजनेस का एक ही डेफिनेशन रहता है राइट, कि वो पैसे बनाते हैं। तो ये मांग कुछ बहुत बड़ी मांग नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है बिजनेस के लिए, बिजनेस से ये मांगा जाना चाहिए। जैसे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है, निधि आप यहां से आगे और फंड रेज करने के लिए जाएंगी, अब आप अपने बिजनेस को कैसे मैप कर रही हैं जब भी आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यू गॉट अ वेरी प्रोलिफिक इन्वेस्टर लाइक रतन टाटा बैकिंग यू, लेकिन ये जो अप्रोच रहेगी वो किस तरह के निवेशकों के लिए है और क्या फिलहाल अपने बिजनेस को सेल करने के लिए आप आगे रख रहे हैं? हम कमिटेड हैं ब्रांड बनाने के लिए, इसीलिए हमें चाहिए रहेंगे वो इन्वेस्टर जो ये समझते हैं कि हम ब्रांड बनाने की कोशिश में हैं और ये हमारा काम नहीं होगा कि हम 1000 करोड़ की कंपनी दो साल में बना ले राइट, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव हियर। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने एनएसपी इंक्रीमेंट्स लेते रहें, कि हम प्रॉफिटेबिलिटी तक बहुत जल्दी पहुंचे, हमने कमिट किया है कि हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे, हमने कमिट किए हैं ब्रांड मैट्रिक्स जो ये 4-5 मैट्रिक्स मैंने बताया उन चीजों पर कमिटमेंट लेते हैं। जब आप लोगों से जाकर बात करते हैं कि एनवायरमेंट में जो थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म आ गया है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है एंटरप्रेन्योर्स पर? बिल्कुल पड़ा है। आई थिंक बहुत इजी हो जाता है इंडिया में किसी भी चीज को बकेट करने के लिए राइट, तो कार्या क्योंकि प्राइमरीली ऑनलाइन बेचती है, हम बहुत जल्दी ई कॉमर्स कंपनी माने जाते हैं जबकि हम है नहीं, हम पहले ब्रांड बिजनेस है, हम पहले अपैरल डिजाइनर्स हैं, फैशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम बाद में ई कॉमर्स इज वन चैनल, तो इसीलिए हाँ उस बकेटिंग से उस जनरलाइजेशन से हाँ हम पर फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।